अस्सलाम वालेकुम। तो भाई क्या टाइम हो रहा है भाई? 5:15 हो रहे हैं। तो अम्मी ने 5 बजे उठा दिया था मैं, क्योंकि फजर की नमाज़ पढ़ने जाना है, और अभी फजर की नमाज़ के बाद ही कब्रिस्तान जाना है, क्योंकि फिर ना बहुत रश हो जाता है। दादा की कब्र है तो वहाँ जाना है। अभी तो लेट हो रहे हैं, 5 बजे से जमात से चलते हैं नमाज़ पढ़ने, उसके बाद ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। 2 hours later तो भैया हम नमाज़ पढ़ कर आ चुके हैं, और बात यह है कि अभी हम तैयार हो रहे हैं, चलते हैं तैयार होने, नमाज़ पढ़ ली कब्र साथ ही घूम कर आते हैं। अब चलते हैं नमाज़ पढ़ने, पहले तैयार तो हो जाएं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमने नए कपड़े पहन लिए हैं, और भाई हमारा टिकी पैक को देखो। ओ भाई ओ भाई कितना प्यारा लग रहा है। तो अभी हम खाने बैठे हैं, नाश्ता करने बैठे हैं। देखो भाई ये थोड़े दिन क्या होता है, नाश्ते में क्या होता है आपको दिखाते हैं। तैयार हो गए, हम जा रहे हैं। कोने पे हमारा चाचू इंतज़ार कर रहे हैं, और चाचू वो देखो वो खड़े हैं फार्मी चूजे लग रहे हैं आवाज़ और अति चाचू फार्मी चूजे नहीं होते क्या? लग रहे हैं फार्मी चूजे लग रहे हैं ना, जो हमारे घर पर रंग बिरंगे चूजे आए थे पहले, फार्मी चूजे लग रहे हैं। एक पिंक, एक ब्लू कलर का है, और एक नहीं, एक ऑरेंज कलर का है। हेलो, हम घर रास्ते में बोलते आ रहे हैं फार्मी चूजे। चुप हो, चुप रहने दो, चुप 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 रहने दो, चुप, और तुम भी चुप। चले फार्मी चूजे, चले भाई मैं चलते हैं नमाज पढ़ने। ये ठीक है, या मरहबा। इस दफा ईदी बांटेंगे हम पर्चियों से। इस बॉक्स के अंदर 4 पर्चियां हैं, और सब पे नंबर लिखे हुए हैं। वो नंबर वाइज आप लोग अपनी अपनी पर्ची ले लेंगे, और उसके बाद उन नंबर के अंदर क्या है वो मेरे पॉकेट में है। तो पॉकेट में से पर्ची निकलेगी, इसमें लिखा होगा किस नंबर की पर्ची में कितना। अच्छा अच्छा, तो ये चक्कर है। ठीक है जनाब, अभी सब आगे हैं, हम शुरू करते हैं। चलो भाई मैं सबसे पहले पर्ची में उठाऊंगा। चलें जी मोहम्मद अहमद, अभी ओपन नहीं करेंगे, कोई ओपन नहीं करेगा। पर्ची उठा ली हमने, अभी देखते हैं पर्ची में से क्या निकलता है। चलें जनाब, सब अपने अपने नंबर शो करें। अरे मैं क्यों, अभी आप पहले पैसे शो करें। पर्ची शो करें, मैं बची ना। नंबर 2 नंबर। नंबर 2 दिखाएं स्क्रीन में, दिखाएं नंबर 2। चले भाई मोहम्मद अहमद नंबर शो करें। नंबर 1 नंबर 4 और आपका नंबर 3 वो दिखाएं। नंबर 3 देखो ना, नंबर 3 आवाज आप लो, आप लो। चलो नंबर नंबर 3 दिखाओ। नंबर 4 ये रहा, नंबर 4 मोहित का। नंबर 3 में कुछ है? नंबर 3 मोहित नंबर 3 में कुछ है। नंबर नंबर 1 किसका है? मोहम्मद अहमद का। नंबर 1 नंबर 1 ₹500 क्लैपिंग करो जोर से। मोहम्मद अहमद अपनी पर्ची संभाल के रखिएगा। नंबर 2 किसका है भाई? मेरा है। नंबर 2 बताते हैं अभी, नंबर 300 पैसा बर्बाद पहन चोर। ये गजब बेइज्जती, गजब बेइज्जती हो गई। अच्छा खाना दीसा उठा रहा था मैं।
अब जनाब देखते हैं आपने अपनी पर्ची पकड़ के रखे हैं। नहीं मुझे दे देंगे यहाँ, ये आप रखें भाई अपने नंबर अपने पास रखें। जनाब गैस करें अब क्या है, नंबर 3 और नंबर 4 गेस करें जी इसमें क्या हो सकता है। 3 पे 1000 रुपए होंगे, 3 में 1000 रुपए। पहले हम आते हैं नंबर 3 पे, नहीं नंबर 4 पे, इसमें है 100 रुपीज। बादल जाओ यार, हंसी मेरा नाम लिखा हुआ था इसमें। और नंबर 3 क्या होगा इसमें, 1000 रुपए। क्या होगा इसमें, 50 रुपए। 1000 रुपए। ओह माय गॉड, वाओ, बाबू का हड़ताल यही होता है। 1000 रुपए। ये देखिए जनाब पड़ी इसके आए 500 रुपए। अरे हम ज्यादा लेंगे अकेले में। हां भैया आप, ये क्या हुआ भैया, हां साईं ऐसा भी अबे मैं नंबर दिखा दे जाए पैसे लेते जाएंगे, मैं हिसाब ही लूंगा। ये देखें भाई शूट चल रहा है इनका। माशाल्लाह वाज वाह सुभान अल्लाह। तो भाई हमारी ईद जो है ना थर्सडे गुजर गया, मैं ना सो गया था और सोया था, तो फिर जब सो कर उठा था तो शाम का टाइम हो रहा था, नमाज के बीच में उठा था उसके बाद सो गया था, तो शाम का टाइम हो रहा था। फिर मैंने कपड़े पहने, किसी के घर जाना था तो कपड़े पहने, इसके बाद कपड़े पहन कर वापस आए, तो अब अगेन नींद आ रही है भाई मुझे। तो चलो आज का व्लॉग एंड करते हैं, हमारी ये ईद थी, हम सोते रहते हैं भाई, हमारे बच्चों की ईद होती है हम सो जाते हैं, और एज़ यूजल घर में बिरयानी बनी थी। चलें चलते हैं व्लॉग को एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, कल बनाएंगे इंशाल्लाह, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़। कैसे दिया आपको, है नहीं दिया अच्छा।